शेख, ये 2-3 महीना से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। वो शेख, एक तो गुनाह की चाहत अंदर बैठ रही है। कोई भी गुनाह इंसान करने के लिए एक अंदर से फोर्स की तरह एक आ रहा है। अंदर से इंसान करना नहीं चाह रहा है, फिर भी करने के लिए वो मतलब अंदर से एक तरफ से फोर्स आ रही है। जी और दूसरा चीज की पढ़ाई वगैरह में तकरीबन 3-4 महीने से ऐसा है कि मतलब स्टडी वगैरह में मन नहीं लगना या फिर पढ़ नहीं पाना। जी, जी नमाजों ठीक है, में यही सवाल सुस्ती, आपका। दीन के इल्म हासिल करने में सुस्ती, दीनी जी दीनी जी इल्म जी हासिल करने में और सुस्ती, फराइज में सुस्ती, कुरान पढ़ने में सुस्ती, वाजे है भाई सवाल। गुनाह की चाहत, गुनाह करने के लिए ये होना। जी सर, देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आदमी को इस बात का एहसास हो जी सर, कि ये जो गुनाह करने का ख्याल दिल में आ रहा है ये गलत है। ये एहसास होना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि आदमी को ये एहसास हो, और जब ये एहसास होगा कि ये गलत है, मुझे इससे बचना चाहिए, मुझे इसे नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए बच पाना ये बहुत आसान है इंशाल्लाह। और बाकी आपको करना क्या है, हर इंसान के साथ शैतान लगा होता है, उसे बुराइयों पर उभारता है, उसका नफ्स उसे गलत कामों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। आदमी उससे मुजाहदा करे, उससे लड़े, इसी को जिहाद कहा जाता है। ये जिहाद जो है अपने नफ्स के साथ जिहाद यही है कि आदमी का मैलान या उसका रुझान, उसका दिल बुराइयों की तरफ मायल हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करे, और इस कंट्रोल करने पर भी उसे अजर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप नमाजों की पाबंदी करें और नमाज को ज्यादा से ज्यादा खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करें। कुरान की तिलावत आप कसरत से करें। अगर ऐसे माहौल और ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनकी वजह से गलत कामों की तरफ जहन जाता हो, तो उनका वो माहौल छोड़ दें, उन लोगों की सोहबत छोड़ दें। ये बहुत अच्छा इलाज है बुराइयों का कि आप उस माहौल को छोड़ दें। कई दफा क्या होता है, सोहबत की वजह से इंसान के जहन में इस तरह का ख्याल आता है, आप वो सोहबत छोड़ दें। ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें, जिक्र अज़कार हर वक्त जिक्र अज़कार करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो भी अज़कार आपकी ज़बान पे आए कसरत के साथ वो जिक्र अज़कार करें। सुबह शाम की जो दुआएं हैं उसको पढ़ें। जब आप अपने दिमाग को इबादतों में मशगूल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारे ख्यालात जहन से ऑटोमेटिक दूर होने लगेंगे। और आप अल्लाह ताला से कसरत के साथ दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ताला हमारे दिल को जब ईमान बख्शने के बाद उसे इधर उधर भटकाना नहीं, हमारे दिल को साबित रखना। तो आप दुआएं करें, अज़कार करें, नमाजें पढ़ें, कुरान पढ़ें, गलत लोगों की सोहबत से बचें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साबित कदम रखेगा और आप बुराइयों से बचे रहेंगे। उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें।